स बिटवीन डेट एंड इक्विटी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी सो इन द टुडेज टू डिस्कस अबाउट सिक्स टू डि सेवन डिफरेंसेज बिटवीन डेट एंड इक्विटी द इंडिविजुअल डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म दैट इज डेट वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन द लास्ट वीडियोज इक्विटी का मतलब बता चुकी हूँ और आज का वीडियो इसीलिए इस टॉपिक पर बनाया गया है कि डेट और इक्विटी का जब मतलब आपको क्लियर हो जाए तो अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और दोनों में मेजर क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं ठीक है तो डेट और इक्विटी का जो मतलब मैंने आपको बताया है ना सेपरेट वीडियोस तो वो आप जरूर देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अदरवाइज मेरी जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट uh, सेक्शन में प्लेलिस्ट सेपरेटली बना रखी है फॉर uh, द सब्जेक्ट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिल जाएगा लिंक हर चीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और थोड़ा सा सर्च करोगे चैनल पर तो सब अवेलेबल है तो so, डेट और इक्विटी का मतलब जरूर देख लेना कि क्या रहता है जिसको पता है बहुत अच्छी बात है तो so, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज द डिफ्रेंसिस बिटवीन डेट एंड इक्विटी पहला डिफरेंस हमारा जो है वो क्या है मीनिंग क्या है पहले डिफरेंस में हमारा मीनिंग मीनिंग क्या है डेट का और इक्विटी का बता देती हूं डेट का हमारा मतलब रहता है द फंड्स विच आर रेज बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल जो फंड्स कंपनी इन द फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल रेज करती है उसे हम बोलते हैं डेट ठीक है बोरोड कैपिटल से हमारा यहां पर मतलब है कि वो कैपिटल जो कंपनी को कुछ टाइम के बाद वापिस करनी है बोरो करने का मतलब होता है जनरल सेंस में उधार लेना और उधार ली हुई कोई भी चीज आपको रिटर्न करनी होती है और वो भी इंटरेस्ट के साथ ठीक है तो इस तरह के फंड्स जो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल रेस करती है उसे हम बोलते हैं डेट और जो फंड्स कंपनी रेस करती है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक उसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करने का मतलब है अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देना जो भी लोग शेयर्स के थ्रू कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करेंगे वो कंपनी में एक हिस्सेदारी भी ले लेंगे उन फंड्स को देने के बदले हिस्सेदारी का मतलब है ओनरशिप राइट्स इन द कंपनी ठीक है तो इक्विटी का मतलब क्या है टू रेज द फंड्स थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स शेयर का मतलब ही हिस्सा होता है ठीक है सो so हमारे पास अगर हम आ, मतलब बहुत ही ब्रीफ वे में कहना चाहें तो हम वन वर्ड यूज करना चाहें तो हम क्या कहेंगे डेट क्या है व्हाट इज इट डेट है लोन फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं होते हैं कि जो आपको एक टाइम के बाद सूद समेत वापस करने हैं और इक्विटी क्या होते हैं ओन फंड्स ओन फंड्स का मतलब क्या है कि अब ये हमारे खुद के फंड्स हो गए जिसे हम लौटाने वाले नहीं है जब तक कंपनी बंद ना हो जाए और कंपनी जब बंद होगी उस टाइम पर भी पहले जो हमारे लैंडर्स है उनका पैसा वापस किया जाएगा अगर कुछ बचेगा तो दिया जाएगा इक्विटी होल्डर्स को नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा ठीक है तो खुद के जो फंड्स हो जाते हैं वो होते हैं हमारे इक्विटी से लिए गए फंड्स अगला डिफरेंस क्या है स्टेटस ऑफ होल्डर्स जो पैसा डेट के थ्रू रेज किया जाता है ठीक है और जिन लोगों से इकट्ठा किया जाता है पैसा थ्रू डेट उन्हें हम बोलते हैं डेट होल्डर्स ठीक है और जो पैसा हम थ्रू इक्विटी इकट्ठा करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्विटी होल्डर्स इक्विटी होल्डर्स कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं और जो डेट होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लैंडर्स बन जाते हैं जिन्हें कंपनी को इन फ्यूचर पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या डिफरेंस है रिटर्न रिटर्न से हमारा मतलब है कि जो डेट होल्डर्स हैं क्या हमें उन्हें रिटर्न देने होते हैं अगर देने होते हैं तो क्या देते हैं हम उन्हें इन रिटर्न तो मैंने आपको बताया कि डेट का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना इन द फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल तो बोरोड कैपिटल पर रिटर्न जो दिया जाता है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में दिया जाता है और ये फिक्स्ड होता है जबकि इन द केस ऑफ इक्विटी कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कुछ भी उन्हें एज अ रिटर्न देने की अगर कंपनी ने किसी साल अच्छा प्रॉफिट किया है तो कंपनी की मर्जी होगी कि उसे कितना देना है कोई फिक्स नहीं होता वेरिएबल होता है रिटर्न जो रहता है और अगर दिया जाता है तो वो डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाता है डिविडेंड का हमारा मतलब है उस पैसे से प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्री जो शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ठीक है डिविडेंड का मतलब क्या है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आई होप सो आपको ये पहले चार डिफरेंस अच्छे से समझ में आए हैं द मीनिंग वट इज इट स्टेटस ऑफ होल्डर्स एंड रिटर्न ठीक है चलो नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस इज टर्म टर्म का मतलब हमारे पास है कि कितने टाइम के कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है थ्रू डेट फंड्स एंड थ्रू द इक्विटी थ्रू डेट जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि वो हमें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद लौटाना है लैंडर्स को बट जो हमारे इक्विटी से पैसा इकट्ठा किया जाता है वो लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि वो कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि उसे रीपे करना है ठीक है वो जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी देखेंगे अगर कुछ बचेगा इन द एंड तो इक्विटी होल्डर्स को दिया जाएगा नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि इक्विटी फंड्स आर द ओन फंड्स ऑफ द कंपनी नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है कॉस्ट के रिगार्डिंग ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डेट और इक्विटी का इंडिविजुअल दोनों सेपरेट वीडियो मैंने बनाए थे तो वहाँ पे मैंने ये लास्ट के दोनों पॉइंट्स बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किए थे फिर से यहाँ पर एक बार बता रही हूँ कि जो कॉस्ट है वो डेट से फंडस रेज करने की ज़्यादा होगी या इक्विटी से फंड रेज करने की ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो डेट से जब हम फंड्स रेस करेंगे जब एक कंपनी थ्रू डेट फंड रेज करेगी तो उसे इतनी कॉस्ट नहीं आएगी जितनी कॉस्ट उसे इक्विटी से फंड रेस करने की देनी पड़ेगी क्यों क्योंकि डेट से जब आप पैसा इकट्ठा करते हो तो जो आप इंटरेस्ट पे करना होता है डेट होल्डर्स को वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होने का मतलब है कि इंटरेस्ट की जो पेमेंट है प्रॉफिट्स कंपनी के जितने भी हैं उसमें से इंटरेस्ट कंपनी ने जितना दिया है डेट होल्डर्स को वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कंपनी को टैक्स पे करना है जबकि इन द केस ऑफ इक्विटी अगर कंपनी डिविडेंड देती है अपने इक्विटी होल्डर्स को तो कंपनी को ये छूट नहीं मिलती कि वो प्रॉफिट में से पहले अपना डिविडेंड का अमाउंट डिडक्ट कर ले और फिर फिर टैक्स दे ऐसी छूट नहीं मिलती इन द केस ऑफ इक्विटी क्योंकि इक्विटी के केस में कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है Uh, उस पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा ये नहीं है कि डिविडेंड का जो uh, है उसका एक्सपेंस माइनस करके फिर प्रॉफिट जो आया है उस पर टैक्स दे ऐसा नहीं होता आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर है अगर इसमें थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप डेट और इक्विटी पर जो मैंने सेपरेट वीडियोस अपलोड कर रखी हैं उन दोनों वीडियोस को जाकर देखो नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है रिस्क रिस्क किस में ज्यादा इन्वॉल्व है डेट फंड्स में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है या इक्विटी फंड्स में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो जो डेट फंड्स हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू इक्विटी क्यों? डेट फंड ज्यादा रिस्की क्यों होते हैं क्योंकि डेट्स के थ्रू जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उस पैसे पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है और वो इंटरेस्ट की पेमेंट करना कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि देना ही देना है अगर नहीं दिया तो कंपनी बंद भी हो सकती है अगर कोर्ट में केस फाइल हो गया ठीक है जबकि इन द केस ऑफ इक्विटी डिविडेंड की पेमेंट करना या ना करना कंपनी के ऊपर कोई ओब्लीगेशन नहीं होती कंपनी का मन चाहे तो पे कर दे ना चाहे तो ना करे क्योंकि डिविडेंड की पेमेंट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी और गाइस एक और बात ये जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ ना हर रोज मतलब जो भी कंटेंट मैं इन वीडियोस में आपको प्रोवाइड करती हूँ वो सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और मैं टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो आज का हमारा टॉपिक यही था द डिफरेंसेस बिटवीन डेट एंड इक्विटी एंड आई एम रियली होपिंग कि आपको ये सब समझ में आ गया है कोई आपको डाउट नहीं रहेगा आज के बाद डेट और इक्विटी में अगर अभी भी कोई डाउट है आज कमेंट सेक्शन बट डाउट पूछने से पहले बी श्योर sure कि आपने इससे पहले अपलोड हुई इस वीडियो से पहले अपलोड हुई दो वीडियोस देख ली हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेट एंड डेफिनेशन ऑफ इक्विटी ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय